Maybelline Faces Lakme 9 Plus Color Bath Skin Care में Oshia Wow Rich Feel Raga और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में Pile Beauty Corner मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जिस तरह से पिछले दिनों महाराष्ट्र के भिवंडी मुंबई और महाड में इमारतें गिरने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं, उसी तरह से मुंब्रा में भी नाले के ऊपर इसी तरह खतरनाक इमारतें बनी हैं जो कभी भी हादसे का रूप ले सकती हैं। मुंब्रा के सम्राट नगर का ये मुख्य नाला है, बाईपास से नाले की शुरुआत हुई है। गौतमी अस्पताल होते हुए ये नाला खाड़ी में गया है, मगर इस नाले की दीवारें काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं। कई जगह नाले की दीवार गिर गई है, नालों की जमीन तक धंस गई है। इसी नाले से लगकर बनाई गई प्रियंका इमारत कुछ दिन पहले झुक गई थी, जिसे मनपा खाली कराकर तोड़ दी है। इसी तरह इस नाले से लगकर कई इमारतें बनाई गई हैं जो बेहद ही खतरनाक हैं। नाले की दीवारों से नीचे नीचे चूहों ने मिट्टी बाहर निकाल दिए हैं, जिसकी वजह से नाले की दीवार एक तरफ झुक गई है, जिसकी वजह से मिट्टी खसकी तो इमारतें भी गिर सकती हैं। हालांकि नाले की दुरुस्ती को लेकर सुनीता ताई सातपुते ने मनपा में लेटर भी दिया, मगर इसके बावजूद इस नाले का काम नहीं हो रहा है। अब हम आपको नाले की दीवार पर बनी इमारतों की तस्वीर दिखाते हैं। जरा गौर से देखिए, ये नाले की दीवार पर इमारत जो बनी है, इस दीवार को नीचे से चूहों ने खोखला कर दिया है। यहाँ तक कि इस दीवार की जो सरिया है वो भी दिखाई दे रही है और इसी दीवार के ऊपर इमारतें बनाई गई हैं। किस तरह से नाले की दीवारों पर बिल्डरों ने 3 से 4 मंजिला इमारत बना डाला है, मगर कोई भी मनपा का अधिकारी कर्मचारी इन्हें निर्माण करने से नहीं रोका। अगर रोका होता तो नाले की दीवार पर ये इमारत कैसे बन गई? ना ही नाले का मरम्मत हो रहा है और ना ही नाले की दीवार पर हो रहे निर्माण को रोका जा रहा है। आखिर अब सवाल उठता है कि अगर हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा, मनपा या बिल्डर या फिर इन इमारतों में रहने वाले लोग? अब आपको गौतमी अस्पताल के सामने जो नाला गया है उसकी तस्वीर भी दिखाते हैं कि नाले के बगल में ये रास्ता पूरी तरह से धीरे धीरे धंसता जा रहा है और नाले की दीवार भी कमज़ोर हो चुकी है, जो एक तरफ धीरे धीरे झुक रही है। मनपा में शिकायत करने के बाद भी नाले का काम नहीं हो रहा है। सुनीता ताई सातपुते ने कहा है कि अगर हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार मनपा प्रशासन होगी। मैडम, ये जो नाले का यहाँ पर इमारतें नाले पर बनी हुई हैं और चूहों ने जो है इसकी हालत बहुत ख़राब कर दी है, तो ऐसे में इमारतें भी गिरने का काफ़ी डर बना हुआ है। क्या आप लोगों ने इसके बारे में मनपा में शिकायत वगैरह की है? ये जो मरे प्रभाव क्रमांक 31 से जो नाला गया है ठाकुरपाड़ा से, ये नाला गए बारिश में एक साल हो गया। स्वस्तिक जो बिल्डिंग है नाले के बाजू में बनी है, वो 8 माले की बिल्डिंग है, वहाँ बहुत बड़ा ऐसा नाले का एक दीवार गिर गई थी। बारिश में हम लोगों ने वो काम करके लिया था, उसका वो जो काम किया उसका महानगर पालिका ने अभी तक कोई दखल नहीं लिया है। और अभी ये बारिश में भी ये नाला टुकड़े भी गिर रहा है। 2008 में कुछ ये नाला बना है, 12 साल हो गए और टुकड़े भी गिर रहा है। और नाले के दोनों बाजू में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अभी ये बिल्डिंगें भी नाले के ऊपर भी है। तो डर ये है कि कहीं नाला गिर जाता है, कोई दीवार ऐसा गिरता है तो ये कोई बड़ा हादसा ना हो जाए बिल्डिंग का और लोगों की जान न चली जाए। इसके लिए मैं बार बार लेटर दे रही हूँ। INDP के जो अधिकारी है, जो रविंद्र शिंदे साहब है, गोसाई साहब है, हमारे माननीय आमदार अवार्ड साहब है, उन्होंने यहाँ एक ये भी किया है, आके राउंड मार के गए हैं, उन्होंने भी देखा है यहाँ का। तो मेरा ये कहना है कि ये नाले का जो ये तैयार है, उसका प्रपोजल तैयार है, तो हम ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको अगर जल्दी से जल्दी कोई बड़ा निधि मिल जाए तो ये नाले का पूरे नाले का काम हो जाएगा। और ये ज़रूरी है, अभी हम टुकड़ा जैसे गिरता है कोई दीवार का, नाले का जो नीचे का जमीन है वो भी धंस रहा है, पूरा धंस रहा है, वो फूट गया, पूरा कोमा दीवार लटक रही है सब जगह पे। लोग डरे, लोग मेरे पास रोज आते हैं, मेरे को तंग कर रहे लोग कि ताई कुछ तो करो ये नाले का। तो मेरा कहना कि हम रिपेयरिंग कितनी बार करेंगे, और रिपेयरिंग का ऐसा होता है कि काम होता है, जो बेचारा कोई कॉन्ट्रैक्टर छोटा मोटा काम करता है उसको टाइम पर पेमेंट नहीं हो रहा है उसका, उसको बिल नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा नाले का प्रपोजल जो हमने तैयार किया है, तो उसके लिए
मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके कोई इसको निधि दे दे और ये पूरा काम हो जाए तो यहाँ लोगों को एक तसल्ली मिल जाएगी और लोगों के दिल में जो डर है अभी ये नाले का वो निकल जाएगा। कि हमने मनपा में पत्र व्यवहार किया है तो अगर ऐसे में निधि नहीं मिल रही है और अगर हादसा ऐसे में हो जाए तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने तो लेटर लिखा है, मैंने क्लियर लेटर में लिख दिया है कि इसकी अगर कोई जिम्मेदारी, कोई अगर हादसा होता है, किसी का नुकसान होता है तो यहाँ उसकी जिम्मेदारी पूरी महानगर पालिका उसकी जिम्मेदार रहेगी, ये मेरा स्पष्ट कहना है। मैंने उसे लिखित भी दिया है महानगर पालिका। अब सवाल उठता है कि क्या आखिर इस नाले का काम शुरू होगा या फिर शासन प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है। इस नाले की दीवारों पर इमारत कैसे बनाई गई, किस मनपा अधिकारी के कार्यकाल में बनी और नगर सेवकों की भी जिम्मेदारी थी कि उनके इलाके में जिस तरह से नाले के दीवार के ऊपर इमारत बनाई जा रही है उसे रोकना चाहिए था, मगर इसे रोकने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई और ये नाले की दीवारों पर इमारत बनी हुई है और जगह जगह ये नाला पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और आजू बाजू में जो इसके इमारतें हैं वो भी खतरनाक स्थिति में है। अगर जल्दी नाले का काम नहीं किया गया तो भयानक हादसा हो सकता है और हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।